मैं योगा प्लेयर हूँ. यहाँ पे जो इवेंट रखा गया है वो आयुष भारत ने रखा हुआ है एंड बहुत अच्छा इवेंट था. बहुत मज़ा आया करके, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, फिट लग रहा है. बिकॉज योगा की वजह से यही होता है कि वो आपको फिट रखने के लिए, आपको एनर्जाइज रखने के लिए, आपको फ्रेश रखता है. तो बहुत मज़ा आया करने में. और जी, आप योगा इज़ लाइक वो हर दिन इसीलिए करना चाहिए बिकॉज आप ऑब्वियसली फ्रेश रहेंगे, फिट रहेंगे, आपकी आपका माइंड काम रहेगा, पीसनेस रहेगी आपकी बॉडी के अंदर. इट्स नेसेसरी. जो फंक्शन है ये हमने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली की कन्वर्जन से सेलिब्रेट किया. मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है वो 100 ऐसे आइकॉनिक सेशन ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं प्री लूड टू 21 जून 2023, जबकि 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें दो सेशन जो हैं वो यूटी ऑफ जेएनके के हिस्से में आए थे. एक सेशन हमने जम्मू डिवीज़न में, जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, और दूसरा सेशन आज हमने किया जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ. और मैं अपनी तरफ से सारी पब्लिक को, अपने स्टाफ को, सारी पब्लिक को, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, जो कि कल तक इनको अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जा रहा था, आज की डेट में जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर जिस तरह इन सिस्टम्स को प्रमोट एंड प्रपोगेट किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि आने वाले कल में ये मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ मेडिसिन होंगे. और जैसे कि हमारा इस साल का थीम है हर घर हर आंगन योग, आज श्रीनगर के पोलो ग्राउंड के जो इंडोर स्टेडियम में एक योग सेशन रखा गया है, और इस योग सेशन को ऑर्गेनाइज किया है हमारी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जे एंड के और इन कोलैबोरेशन मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. और जैसे आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, हर साल ये 21 जून को मनाया जाता है. उसी सिलसिले में हमने उसके रनअप में योगा की को फर्दर प्रमोट करने के लिए, एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए सिमिलर इवेंट्स बाकी जो स्टेट्स हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं, वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग को प्रैक्टिस में लाएं. और योग से जो वेलनेस की प्रमोशन हम कर रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन की बात कर रहे हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो लोगों में और इसके जो फ़ायदे हैं, लोगों को हर घर तक इसका मैसेज पहुंचाया जा सके, ताकि लोग अपने डेली रूटीन में योग को या एक्सरसाइज को रूटीन में बनाएं, ताकि वी हैव अ हेल्थियर सोसाइटी. एजुकेशन का करिकुलम है, उसमें भी योग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. नई जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें भी इसके ऊपर एक फोकस दिया जा रहा है. तो जिस तरीके से हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी हेल्थ को लेके, चाहे योग था, चाहे यूनानी मेडिसिन थी, सिद्धा थी, आयुर्वेद, इनको हम एलोपैथी से बहुत अलग नहीं देख रहे हैं. आज हमारे अस्पतालों में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर फोकस किया जा रहा है. इनफैक्ट वहाँ हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं उनमें भी इस कंपोनेंट की अहमियत को समझते हुए उनमें स्पेस दिया जा रहा है, उस पर फोकस दिया जा रहा है. तो मुझे यही लग रहा है कि जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी वेलनेस की, उसको दोबारा हर घर तक उसका मैसेज, उसका फ़ायदा क्या है वो पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि वी हैव अ हेल्दियर सोसाइटी एट लार्ज. और हमारे यहाँ पे जिस तरीके से आज डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या बाकी बीमारियों का फैलाव हो रहा है, उसमें रोकथाम आए, लोग एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर पाएँ. और उसके लिए मुझे लगता है कि जो वेलनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन जो है, ये बहुत अहम है.